इस दुखदाई मौके ते मैं बड़ी सत्कारयोग जिन्होंने देश की बड़ी वड्डी सेवा की है प्रदीप सिंह जहेदार साहब के बजुर्गों नाल साडे लैफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह जी 31 साल की सेवा जी उन्हों की फौज से अज भी सेवा निभा रहे उन्होंने ताया जी हवलदार गुरदयाल सिंह और परिवार नाल दुख सांझा करदा 24 साल की एक छोटी उम्र च कल्ले कल्ले बच्चे नूं गवा लेना बहुत ही दुखदाई गल। मैं कदे प्रदीप सिंह नूं आप तां नहीं मिलिया मगर जो ये वीडियो वेखी उस दिन ते मेरे मन ते बड़ा असर होया कि असीं सारे धीआं पुत्तां ने और वेखो ये बच्चा कनेडा च निहंग सिंघां दा बाणा पा के गुरु दियां लाडली फौजां दा सत्कार वजो हर गुरु घर दा कोई प्रोग्राम समागम हुंदा सी उहदे च वध चढ़ के योगदान हिस्सा पाउंदा सी और मैनूं उहनां ने 16 च गया 17 18 तों इहदियां फोटोआं विखाईआं ने हमेशा बाहर भी कनेडा च भी उहनूं माण सी निहंग सिंघ दे बाणे दा गुरु दियां लाडली फौजां दा सत्कार वजो उहदा जो सोच सी वो सामने झलकदी सी और ऐतकी उन्हें कहिंदे पिछले साल ये प्रण किया सीगा कि जी होले महल्ले दे दिन मैं आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते जाके नतमस्तक हूँ बड़ी भावना नाल बड़े सत्कार नाल उत्थों आया बड़ी भावना ते सत्कार नाल आपदे पिंडों अपने माता पिता की असीस लैके खालसा पंथ की उस पवित्र धरती ते जन्म भूमि ते गया और उत्थे अज उन्हां सारे पंजाबियों नूं मैं सवाल पुछदा कि अज शर्म नाल सिर झुकना चाहीदा कि उन्हें गल केड़ी तो रोकिया लोकां कि तुसीं रब रब करन वास्ते आए हो गुरु साहब दीआं खुशियां लैण वास्ते आए हो गुरु दे रंग च रहो लच्चर गीतां दा सहारा ना करो। उन्हें फिर हौका रब दा दिता फिर हौका सच दा दिता गुरु वाले रस्ते चलाउण दा दिता तो उहदा रिजल्ट की निकलिया कि लॉ एंड ऑर्डर दा एड्डा वड्डा फेलियर है कि देखो ये सरकारां एक पासे तां कहिंदियां जी कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहुंदा सी मगर मेरे मन च ही सवाल खड़ा हुंदा है कि तुसीं विधानसभा च तां भाषण करदे हो कि असीं जी लच्चर गीत जिन्ने आ बैन करते बंद करते या लोगों वैपन कैरी करन तो रोकता असलियत आ सामने है जी प्रदीप सिंह फिर जिन्हें उही काम किया जो मुख्यमंत्री कहिंदा सी उन्हें यही कहा भाई पवित्र धरती ते आए हो गल गुरु की करो गल उस्तत गुरु की करो गुरु दे रंग च रंगो और वो रोकण वास्ते अज उहदी जान चली गई। की जवाब देणगे जी भगवंत मान जी अज की जवाब देणगे एक साडे फौजी वीर नूं उहदी माता नूं जिन्होंने देश की सेवा सारी उम्र ही सारे परिवार ने देश की सेवा की और ये जो उत्थे रंगत दिती जा रही है जी कि इन्हें कोई वादा किया ने कोई वादा नहीं किया मैं भी यदि थां हुंदा अभी तो कमजोर दिल हाँ भाई साढ़े चो कई वेखते हैं असं चुप कर जाने कि इन्हों कौन समझावे इन्हें हौसला कर लिया जिगरा कर लिया और सही गल करन दा यह इल्जाम हो गया। मैं तो झट जोड़ के पंजाबी वीरां नूं बेनती करदा सब नूं भरावां भैणां नूं कि तुसीं इन्ना खर्चा कर करके वेखीदा ट्रैक्टर ट्राली जा रहे मगर जे भावना सारे नहीं माड़े मगर कई जिन्हां ने एक वह बना लिया कि आउटिंग है भाई जे उस धरती ते जाना तो रब रब करदे जाओ भुल्लां बख्शाओ तो रब रब करदे आओ गुरु की खुशियां गुरु की असीसा लैके आईए ये दसो की जाके दसांगे कि जेडे उस दिन मौके ते जेडे मौके ते खलोते सन कि ये बच्चा कनेडा तो आया सत समुंदर पार तो गुरु की बख्शिशा गुरु दियां खुशियां लैण वास्ते आया तो गुरु की गल कीती ते उन्हूं मारता गया और अज तक कोई ना अरैसट एक बंदा अरैसट होया होर ही कहानियां पाउणी शुरू करती इन्हें तो जी हुण पाया सी और जे लड़ाका सी जां कुछ सी तो बेचारा कला जांदा जी ये पिंडों कला गया उत्थे भी कला सी
मतलब कोई मन च यह जी कोई भावना ही नहीं सी कि मैं कोई वाधा घाटा करना, और गुरु का सिख यह जी गल का सोच भी नहीं सकता। निहत्या से वार करना गुरु के सिख नूं है ही नहीं, और इन्हें भावना सी सत्कार सी गुरु नूं खुशियां लैन गया सीगा, और रिजल्ट की निकलिया। इसलिए सरकारां नूं जिथे लॉ एंड ऑर्डर का फेलीअर है उत्थी आपां पंजाबियां नूं भी मैं ब्लेम करदा। सानूं सब नूं सोचना पैणा कि भाई जदों मापे आपदे न्याणियां नूं या न्याणियां नूं बेनती आ, नौजवानां नूं बेनती आ कि भाई जब जाने हो रब रब करदे जाओ, रब रब करदे आओ, ते जिहड़ा ये उच्ची सारी डैक ला के जाना मतलब माहौल होर बनाउणा ये काम है ही नहीं है। इस काम लगता नहीं कि नौजवान पीढ़ी जिस राह चल पई आ अगे चल के साडी अपनी कौम दा ज्यादा नुकसान होएगा। देखो जी अज का रिजल्ट तुम मैनू ए सारी चीज़ का रिजल्ट की है, सानू नमोशी है, सबनों नमोशी, असी सब ही फेल होए हैं। ये फेलीअर साडा सब कलैक्टिव मैं तो कहना फेलीअर। देखो प्रशासन का फेलीअर है, सरकार का फेलीअर, और छड़ दिओ मगर जे आप ही बंदे बने होंगे सब तो ये ना हालात पैदा होंगे। जेड़ा कोई पिंडों चलता जिन्हें आपने ट्रैक्टर ट्राली में शिंगारिया तो गीत होर लाए भाई इत ही रोक लो पिंड की धूत कि भाई जाए का फायदा की है। गए तो गुरु की खुशियां लैन हो ना, गुरु की बख्शिशा लैन हो तो इस तरह मिल जानी है। गुरु साहब जी रंग च ही रहो। मजीठिया साहब एक महीने के बाद श्री आनंदपुर साहब खालसा जी का साजना, उस साजना दिवस के उत्ते की अंदाजा लगा रहे हो कि यह जो माहौल जो हो चुका है इन नत्थ पेगी ठल पेगी कि जो फिर इस तरह पटाके पैन के इस तरह सलंसर ला ला के धूं छड़ छड़ के सेवा करने वाले फौजी वीर दे एक कला कला पुत गुरु दे रंग च रंगिया ते उहदी गलती की उन्हें रोकां नूं सीधे राह पाउण की कोशिश की, रब वाले रस्ते पाउण की कोशिश की, इत्थे अज साडे विचकार ने फिर किसी ने हिम्मत करनी है जी। इन्हें तो करती जी, गुरु की लाडली फौज जो एक सिपाही सी इन्हें तो हिम्मत करती, थोड़े मेरे अर्गे तो करते, इसलिए थोड़ा सब नूं बेनती है चाहे मीडिया है चाहे मैं हाँ चाहे तुसी हो चाहे बजुर्ग ने सियाने ने मावां ने रोको आपू सब का फर्ज बनता है कि जे जाना तो सत्कार वजो जाओ, डर के जाओ, बड़े बहुत डर के जाओ कि जिस थां चले है ना उदी खुशियां लैके आईए, मालक दी उदी कृपा लैके आईए, इह जी कोई गलती ना कर दिए जी। आनंदपुर साहब की धरती की गल करिए मंदभागी घटना वापरीए, इस तो अलावा डेरा बाबा नानक की धरती से भी नौजवान की मौत हो चुकी है। जे हुल्लड़बाजां की गल करिए श्रोमणी कमेटी का कोई फर्ज नहीं बनता कि नौजवान पीढ़ी नूं हुल्लड़बाजां नूं इन्हां नूं कोई नैतिक सेध देवे। भाजी एक ना इत्थे आपां गलती कर जांदे आ, आपदे मोढ़ियां तो ला के दूजे की जिम्मेवारी बन दें। न्याणा थोड़ा हो गलती करे तो किसी होर की जिम्मेवारी बन जू, जिम्मेवारी सब की है। तद मैं अज पोलिटिकल गल नहीं कर रहा, मैं क्या सानू सब नू जिम्मेवारी चुकनी पैनी। देखो सब की जिम्मेवारी है भाजी, मैं इस गल दे मैं नहीं ये गल करूँगा जिन्हां ने न्याणा गवाया ना इत्थे, जे पिंड चो ही ना हुंदा, जे हर पिंड चो ये जिम्मेवारी होवे ते हालात ना पैदा हो।